ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। इससे आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी और आपका जो काम नहीं बनता है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सभी तरह का कष्ट दूर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताने वाला हूँ। हमारे जीवन में क्या घटना घटती है, अच्छी घटना या बुरी घटना, हमें सब पशु पक्षी के द्वारा पता चल जाता है। हम में से अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है कि कौन सा जानवर क्या संकेत देता है। ऐसे में दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत, जो आपको बताएगा कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो अनेकों संकेत होते हैं, लेकिन मैं सभी संकेत को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आज आपको 10 संकेत बता रहा हूँ। मैं और भी वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, एक चीज़ मांगता हूँ, आप लोग मना नहीं करिएगा, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस तरह के ज्ञान की बातों से अपडेट रहो। और एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस मेरा इतना काम आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, एक एक करके मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बता देता हूँ। दोस्तों, पहला संकेत है यात्रा के समय कुत्ते का एग्रेसिव भाव में भौंकना। मतलब दोस्तों, अगर कुत्ता आपके ऊपर एग्रेसिव होकर भौंकता है और आप किसी यात्रा में जा रहे हो, तो आपको उस समय सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी घटना घट सकती है। अगर कुत्ता आप देखोगे कि एग्रेसिव होकर आपके ऊपर भौंक रहा है, तो इसका यह मतलब होता है कि आपका वह यात्रा शुभ नहीं होगा, वह यात्रा आपके लिए अशुभ हो सकता है और आपके ऊपर बहुत बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आपको घर से निकलना चाहिए, अन्यथा आपको घर में रुक जाना चाहिए। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ते को आपको देखकर खुजली करना। अगर दोस्तों कुत्ता आपको देखकर खुजली करता है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगर कुत्ता आपको देखकर खुजली कर रहा है, तो इसका यह मतलब होता है कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा और आप जिस भी कार्य में जा रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कुत्ता का आपको देखकर खुजली करना शुभ माना जाता है। अगला संकेत है कुत्ता को हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लाते हुए देखना। अगर दोस्तों कुत्ता हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लाता है और आपके घर के पास गिरा देता है, तो यह आप लोगों के लिए बेहद अशुभ संकेत में आता है। अगर कुत्ता आपके साथ ऐसा करता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है, घर में कुछ अनहोनी हो सकती है, घर में आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो कुत्ते का हड्डी का टुकड़ा और मांस का टुकड़ा घर में ला के गिरा देना अशुभ संकेत में आता है। आपको पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि आपके साथ कुछ घटना घटने वाला है, तो इसलिए आप लोग जब भी हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा आपके घर में ला के गिरा दे, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ता का घर में पानी पीना। अगर कुत्ता आपके घर में आकर पानी पीता है, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर कुत्ता आपके घर में आकर पानी पीता है, तो समझ जाए कि आपके ऊपर अपार धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, गर्मियों का सीजन चल रहा है और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अपने घर के पास पानी जरूर रखें टब में, ताकि कुत्ता, गाय, कोई भी जानवर, पशु पक्षी आकर पानी पी सके, क्योंकि इतनी गर्मी है, प्यास सभी को लगता है। तो एक आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अपने घर के बाहर पानी अवश्य रखें, ताकि सभी जानवर पानी पी सके और आप कम से कम पुण्य कमा सको, और जितना अच्छे कार्य करोगे, आपको अपने जीवन में उतनी सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ता का घर के पास आकर रोना। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर रोजाना रोता है, तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर रोता है, तो इसका यह मतलब होता है कि आपके घर परिवार में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, घर में पैसे की तंगी हो सकती है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो कुत्ते का घर के पास रोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं, कुत्ते का घर के पास आकर रोना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मृत्यु का संकेत देता है, ऐसा नहीं है। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर रोता है, तो आपके ऊपर कष्ट, तकलीफ
परेशानी आने का संकेत देता है। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है तो आप घर में परेशान रहोगे, या फिर घर में किसी की तबीयत भी खराब होती है तो आप घर में परेशान रहोगे। तो कुत्ते का घर के पास आकर रोना परेशानी का संकेत देता है, ना कि मृत्यु का संकेत देता है। दोस्तों अगला संकेत है कुत्ते को आपस में लड़ते हुए देखना। दोस्तों अगर कुत्ता आपस में लड़ रहा है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। कुत्ते का आपस में लड़ते हुए देखना, आपके घर के पास आपस में लड़ते हुए देखने का मतलब होता है कि आपका घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो सकता है, आपके दोस्त से आपका बहस हो सकता है। तो कुत्ते का आपस में लड़ते हुए देखना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों अगला संकेत है कुत्ता को आपको देख कर पूँछ हिलाना। अगर कुत्ता आपको देख कर पूँछ हिलाता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत में आता है। अगर कुत्ता आपको देखकर पूंछ लाता है तो आप समझ जाइए आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर कुत्ता आपको पूंछ देखकर हिलाता है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत में आता है। दोस्तों अगला संकेत है कुत्ता को भोजन करते हुए देखना या कुत्ता को भोजन कराना। दोस्तों बेजुबान को भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है। अगर आप लोग कुत्ते को, गाय को, बकरी को, किसी भी जानवर को अगर आप लोग भोजन कराते हो तो यह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है और आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप जिस भी कार्य को करते हो आपको सफलता मिलती है। तो अगर आप लोग कुत्ते को भोजन कराते हो या कुत्ते को भोजन करते हुए देखते हैं तो यह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और आपके ऊपर कितने भी कष्ट आने वाले हैं, जितने भी तकलीफ आने वाले हैं, ये सारा का सारा दूर हो जाता है। दोस्तों अगला संकेत है रात के समय कुत्ता को रोटी के लिए या भोजन के लिए आपस में लड़ते हुए देखना। अगर रात के समय कुत्ते को आप रोटी या भोजन के लिए आपस में लड़ते हुए देख रहे हो तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। अगर ऐसा आप करते हुए देखते हो तो यह समझ जाइए कि घर में प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी भी वजह के लिए आपके भाई भैया में मन मुटाव हो सकता है। तो अगर कुत्ते को भोजन के लिए आपस में लड़ते हुए देखते तो समझ जाए कि आपके घर परिवार में किसी चीज़ के लिए, किसी एक वस्तु के लिए, ज़मीन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। दोस्तों यह था शुभ और अशुभ संकेत। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यह बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि जितना भी मैं अशुभ संकेत बताया ये सबसे आप बचना चाहते हो तो आप लोग को शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दिया जलाकर शनि देव के मंदिर जाना है और 21 शनिवार तक आपको सरसों के तेल का दिया शनि देव के मंदिर में जलाना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जितना भी कष्ट आया है सारा का सारा दूर हो जाएगा और आपके आने वाले आपकी परेशानी वो खुशियों में बदल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल में नए हो तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।